नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन जो अपनी अदाओं से फैंस के दिलों पर राज करती हैं, वहीं कृति पिछले कई दिनों से एक रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में बनी हुई थी। वहीं अब कृति इस विषय पर अपनी चुप्पी भी तोड़ी है। बता दें कि एक्ट्रेस तब चर्चा में आई थी जब उनके कथित बॉयफ्रेंड यानी कि कबीर बाहिया के साथ उनकी गर्मी की छुट्टियों की तस्वीरें सोशल मीडिया यानी कि इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गए। तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद एक्ट्रेस की लव लाइफ को लेकर सवाल उठे। कबीर बाहिया के बारे में लोगों ने गूगल पर सर्च करना भी शुरू कर दिया कि आखिर ये कबीर बाहिया कौन है जो कृति सेनन का बॉयफ्रेंड है। दरअसल लोग गूगल पर सर्च इसलिए कर रहे थे क्योंकि कृति के जो फैंस थे उन्हें इस बात की जानने की काफी ज्यादा उत्सुकता थी कि आखिर मेरी पसंदीदा एक्ट्रेस की निजी जिंदगी में क्या चल रहा है, कौन है उनका बॉयफ्रेंड। बस फैंस को क्या था, उन्हें कबीर बाहिया के बारे में जहां थोड़ी सी सुगबुगाहट क्या लगी, उन्होंने कबीर को लेकर सर्च करना जोरों शोरों से शुरू कर दिया। वहीं अब इस खबर से कृति एकदम से परेशान हो गई है। वहीं अब पहली बार कृति सेनन ने डेटिंग से लेकर शादी तक की चर्चा पर खुलकर बोला है और अपनी चुप्पी तोड़ी है। दरअसल आपको बता दें, उन्होंने जो कहा वो हैरान करने वाला है। बता दें कि कृति सेनन ने इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तो चर्चा में बनी ही रहती हैं, लेकिन बिजनेसमैन कबीर बाहिया के साथ डेटिंग की खबरों को लेकर भी वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में थी। कृति ने कबीर बाहिया के साथ अपनी डेटिंग अफवाहों पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। बता दें कि कृति और कबीर की तस्वीरें वायरल होने के बाद कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि अभिनेत्री जल्द ही शादी करने की योजना बना रही हैं। हालांकि कृति जल्द ही शादी बिल्कुल भी नहीं करने के मूड में है। वहीं उन्होंने इन खबरों को बेहद परेशान करने वाला भी बताया है। कृति ने जिस तरीके से अपना रिएक्शन दिया है उसमें कहा है कि ये खबर मुझे बेहद ही परेशान करता है। आपको बता दें कि खबरों पर एक्ट्रेस ने इंटरव्यू के दौरान डेटिंग की खबरों पर रिएक्शन जमकर दिया है। उन्होंने कहा है कि फिल्म फेयर के साथ एक इंटरव्यू उनका हो रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि जब उनके बारे में गलत जानकारी फैलाई जाती है तो यह सभी बातें बहुत ज़्यादा उन्हें गुस्सा दिलाने वाली होती हैं, इसलिए क्योंकि इसका असर उनके परिवार पर भी पड़ता है। कृति ने कहा कि उन्हें किसी झूठी बातों के दुष्परिणामों से नहीं जूझना चाहिए। यह तब और भी अधिक परेशान करने वाला हो जाता है जब अफवाहें मेरी निजी जिंदगी से जुड़ी होती हैं। फिर दोस्त मुझे मैसेज और कॉल भेजने लगते हैं कि क्या यह सच है, और मुझे क्लियर करना पड़ता है कि यह सच नहीं है। वहीं कृति ने अपने इंटरव्यू में आगे ये भी कहा कि लोग अक्सर कहानियां फैलाने से पहले रियलिटी जानने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं, खासकर सोशल मीडिया पर जहां पर नेगेटिविटी तेजी से फैलती है। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने कहा कि इन झूठों को लगातार सही करना मेरे लिए परेशानी बन गई है। अब इसी के साथ आपको हम बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब कृति सेनन का नाम किसी के साथ जोड़ा जा रहा है। इससे पहले भी एक्ट्रेस का नाम टाइगर श्रॉफ से लेकर प्रभास तक कई एक्ट्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर हमेशा कृति सेनन सफाई देते हुए भी पाई गई हैं। बहरहाल हम आपको बता दें कि कृति ने कबीर के साथ वाले अफवाहों पर खुलकर बोल दिया है और अपने फैंस तक भी मैसेज पहुंचा दिया है कि वो अब किसी के साथ अभी रिलेशनशिप में नहीं है। वहीं कृति सेनन ने इन दिनों अपनी आगामी फिल्म दो पत्ती को लेकर काफी ज्यादा बिजी भी चल रही है, और इस फिल्म को लेकर वो काफी ज्यादा बिजी इसलिए चल रही है क्योंकि इसके पहले जो उनकी फिल्म आई थी वो काफी ज्यादा हिट रही, तो उनकी कोशिश है कि इस फिल्म को भी वो हिट करने में पूरी मेहनत और जोरों शोरों से लगी हुई हैं। वहीं आपको हम ये भी बताते चले कि इससे पहले उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म यानी कि तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में अभिनय किया था, जिसमें उन्होंने एक रोबोट का किरदार निभाया था जो फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और बिल्कुल वैसा ही कृति अपनी आने वाली अपकमिंग फिल्म पर भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। 4 PM बॉलीवुड में बस इतना ही, देखते रहिए 4 PM बॉलीवुड न्यूज़।